carbon from agro residue. नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। डीएम सविन बंसल ने की बैठक, डीएम ने भिक्षावृत्ति मुक्त देहरादून के संबंध में की बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मसूरी में नगर पालिका सभागार में विधायक समारोह, जिलाधिकारी को दी गई विधाई। पिथौरागढ़ में सीडीओ का पदभार संभालेंगे दीपक जैनी। मुनिकीरेती में गंगा में नहाने के दौरान गुड़गांव का पर्यटक बहा, एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गंगा में बहने की दो दिन में दूसरी घटना। ऋषिकेश में बस अड्डा परिसर में मिला बस मालिक का शव, चालकों ने जताई हत्या होने की आशंका। जांच में जुटे एसपी देहात और पुलिस अधिकारी। मुनिकीरेती के पहाड़ में ई रिक्शा चलाने से खतरे में जवान, ब्रेक फेल होने से ई रिक्शा बिल्डिंग से टकराए, ई रिक्शा चालक और सवारी हुए घायल। और केदारनाथ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें हेली सेवा को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ को लेकर, हेली सेवा को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया। 15 सितंबर से 5 और हेली कंपनी देगी केदारनाथ में सेवा। 4 हेली कंपनी वर्तमान में दे रही है केदारनाथ में सेवा। हेली सेवा में प्रतिदिन 250 यात्री कर रहे हैं दर्शन। अब तक 66,829 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। 15 सितंबर से सभी 9 कंपनियां देंगी अपनी सेवा। मानसून सीजन में केदार घाटी में मौसम खराब रहने से कंपनियां हेली सेवा का संचालन रखा था बंद। बड़ी खबर केदारनाथ हेली सेवा को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आया। 15 सितंबर से 5 और हेली कंपनी देगी केदारनाथ में सेवा। 4 हेली कंपनी वर्तमान में दे रही है केदारनाथ में सेवा। हेली सेवा में प्रतिदिन 250 यात्री कर रहे हैं दर्शन। अब तक 66,829 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। 15 सितंबर से सभी 9 कंपनियां देंगी अपनी सेवा। मानसून सीजन में केदार घाटी में मौसम खराब रहने से कंपनियां हेली सेवा का संचालन रखा था बंद। उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी को पिथौरागढ़ का सीडीओ बनने के बाद मसूरी शहर के नए पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें विदाई दी गई है। बीजेपी मसूरी मंडल, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और मसूरी होटल एसोसिएशन के साथ ही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। साथ ही उनके कार्यालय के दौरान किए गए कार्यों को मसूरी के विकास में मील का पत्थर बताया है। वहीं उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि मसूरी में कार्यकाल के दौरान उनका जनता का उन्हें जो भरपूर सहयोग मिला है, उन्हें उम्मीद है कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बीजेपी मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि डॉक्टर दीपक सैनी के कार्यकाल में विभिन्न कार्य किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनके कार्यों से मसूरी शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। प्रमोशन पर जो होता है करियर पे खुशी होती है हर किसी को, किसी भी ऑफिसर को, बट खुशी के साथ साथ इस चीज का गम भी है कि मैं यहाँ से जो है जा रहा हूँ, बड़ी ही अच्छी यादों के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। पूरे कार्यकाल में मुझे पूरे मसूरी वासियों का बहुत सपोर्ट मिला है और हमेशा जो भी हमने कार्य प्रारंभ किया सभी ने उसके में सहयोग किया है, आम जनमानस हो, यहाँ के जितने भी एसोसिएशन हैं हमारी होटल एसोसिएशन। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें डीएम सविन बंसल ने की है बैठक, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से डीएम ने यहां पर एक बैठक की है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। डीएम सविन बंसल ने बैठक की है, डीएम ने भिक्षावृत्ति मुक्त देहरादून के संबंध में बैठक के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। देहरादून शहर में कोई बच्चा भिक्षावृत्ति करता ना दिखे इस दिशा में उठाए जाए प्रभावी कदम। वाहन के माध्यम से निरंतर पेट्रोलिंग करते हुए भिक्षावृत्ति करते बच्चों को करे रेस्क्यू। डीएम बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए वाहन का प्रस्ताव करें प्रस्तुत। वाहन शहर में घूम रहकर बच्चों को रेस्क्यू कर सीडब्ल्यूसी में लाए। भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी करते बच्चों को रेस्क्यू कर मुख्य धारा शिक्षा के सर्वांगीण विकास से जोड़े। डीएम ने भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रतिदिन अभियान चलाने के यहां पर निर्देश दिए हैं। जल्द ही
जनपद में 2 पेट्रोलिंग वाहन का किया जाएगा शुभारंभ। डीएम ने भिक्षा वृत्ति पर रोक के लिए मोबाइल यूनिट बढ़ाने के दिए निर्देश। केयर सेंटर का प्रस्ताव बनाकर सख्त विस्तार वातावरण करें तैयार। बच्चों को स्कूल और अन्य क्रियाकलाप के प्रति करें आकर्षित। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मजा आएगा, जल्द होंगे हाजिर। श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टैंप शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है, चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को MSP पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। PM किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का यह है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, मुनि की रीति थाना क्षेत्र अंतर्गत दयानंद घाट पर नहाने के दौरान एक पर्यटक गंगा में बह गया। बहने वाले पर्यटक की तलाश SDRF की टीम कर रही है। फिलहाल अभी तक पर्यटक का कुछ पता नहीं चल सका। SDRF के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान और मुनि की रीति थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि बहने वाले पर्यटक का नाम श्रीनिवासन निवासी गुड़गांव हरियाणा है, जो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर दयानंद आश्रम घूमने के लिए पहुंचा था। आज सुबह वह दयानंद घाट पर नहाने के लिए चला गया था, अचानक पैर फिसला और देखते ही देखते वह गंगा में बह गया। साथियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद SDRF की टीम सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए मौके पर पहुंची। और फिलहाल हालांकि पर्यटक का कुछ पता नहीं चल सका है, घटना की जानकारी परिजनों को भी दे दी गई है। बता दें कि 2 दिन में पर्यटकों ने गंगा में डूबने की ये दूसरी घटना हुई है। तो खबर आप तक मुनि की रीति से पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक युवक के डूबने की खबर सामने आई है। हरियाणा का एक युवक रहने वाला था, जिसके बाद SDRF की टीम को सूचना दी गई। सूचना पाने के बाद टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया। हालांकि अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चला है। बस अड्डा परिसर में पुल के पास खड़ी बस के किनारे सड़क पर बस मालिक का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला है। पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामले में मृतक के 2 साथियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही SP देहात लोकजीत सिंह, कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया और बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने अन्य बस चालकों से भी पूछताछ की है। इस दौरान चालकों ने बस मालिक की हत्या होने का शक जताया है। SP देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान भरत सिंह भंडारी निवासी लमगांव टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है।
पूछताछ में इतना पता चला है कि मृतक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर रात को बस में बैठकर शराब पी थी। उसके बाद क्या हुआ ये अभी पता नहीं चल सका है। जांच की जा रही है कि भरत सिंह को मौत के घाट उतारा गया है या वो किसी हादसे का शिकार हुआ है। मृतक के साथियों से पूछताछ और जांच में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। केस आईएसबीटी क्षेत्र में 100 मिलने की सूचना 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उस पर लोकल पुलिस द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो देखा कि उस व्यक्ति के सर पे चोट है, उनको एम्स में दाखिल किया गया है पीएम के लिए, और इसमें सभी दिशाओं में छानबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है कि किस तरह से इसमें। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें डीएम पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। बड़ी खबर, सविन बंसल पुलिस मुख्यालय में पहुंचे हैं। डीएम सविन बंसल ने डीजीपी अभिनव कुमार से की शिष्टाचार भेंट। डीएम सविन बंसल ने डीजीपी अभिनव कुमार को किया पुष्पगुच्छ भेंट। डीजीपी अभिनव कुमार ने डीएम सविन बंसल को दी बधाई और शुभकामनाएं। खबर आप तक पहुंचाई जा रही है देहरादून से, जहां पर डीएम सविन बंसल पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। डीएम सविन बंसल ने डीजीपी अभिनव कुमार से शिष्टाचार भेंट की है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, मुलाकात की तस्वीरें हैं जो मुलाकात के बाद सामने आई है। डीएम सविन बंसल ने डीजीपी अभिनव कुमार को पुष्पगुच्छ भेंट किया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने डीएम सविन बंसल को दी बधाई और शुभकामनाएं। वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई एक साइकिल बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि बेती रोड श्यामपुर क्षेत्र में एक साइकिल चोरी की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर विनेश कुमार को दी गई थी। आज पुलिस ने चोरी की साइकिल सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान भवन बहादुर और अर्जुन कुमार निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो नशे के आदि हैं, इसलिए उन्होंने साइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कोतवाल ने बताया कि आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बढ़ते खबरों में आगे, पहाड़ी इलाकों में ई रिक्शा चलाना खतरे से खाली नहीं है। इसका नजारा देर रात मोनी की रेती स्थित कारा स्रोत में देखने को मिला है, जहां प्रतिबंध के बावजूद एक ई रिक्शा चालक सवारी बैठाकर भद्रकाली से पीडब्ल्यूडी तिराहे की ओर आ रहा था। अचानक ई रिक्शा के ब्रेक फेल हो गए और ई रिक्शा पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग से टकरा गई। घटना में ई रिक्शा चकनाचूर हो गया और ई रिक्शा चालक और एक सवारी गंभीर रूप से घायल यहां पर हुए हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सरकारी अस्पताल ऋषिकेश भेजा है। गनीमत रही कि अन्य रिक्शा किसी अन्य वाहन से नहीं टकराई है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। बता दें इस प्रकार के खतरे को देखते हुए ही परिवहन सचिव ने ई रिक्शा को जनपद टिहरी के मुनि की रेती क्षेत्र में एंट्री देने से मना किया। फिर भी ई रिक्शा चालक रात को चोरी छिपे पहाड़ी इलाके में ई रिक्शा चलाते हैं, जिससे हादसे की संभावना बनी हुई है। फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। कल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है।
भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के आसार की संभावना यहां पर जताई गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले 3 दिन तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश, मैदानी इलाकों में चटक धूप कर सकती है परेशान। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। चमोली, पौड़ी और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। बागेश्वर और चमोली जिले में विशेष एहतियात बरतने की जरूरत। चमोली जिले में जिला प्रशासन अलर्ट। नदियों के किनारे रहने वाले लोग विशेष तौर पर ध्यान। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। जिस तरह से जो है मौसम लगातार यहां पर रुख बदल रहा है, उसी कड़ी में अब पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं। अगले 3 दिन तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कुछ इलाकों में तेज बारिश का दौर रहेगा। मैदानी इलाकों में हालांकि चटक धूप परेशान भी कर सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चमोली, पौड़ी और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, चमोली जिले में विशेष एहतियात बरतने की जरूरत। चमोली जिले में जिला प्रशासन अलर्ट। नदियों के किनारे रहने वाले लोग विशेष तौर पर दें ध्यान। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट और बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के आसार। अगले 3 दिन तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश, मैदानी इलाकों में चटक धूप कर सकती है परेशान। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। चमोली, पौड़ी और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। बागेश्वर और चमोली जिले में विशेष एहतियात बरतने की जरूरत। चमोली जिले में जिला प्रशासन अलर्ट। नदियों के किनारे रहने वाले लोग विशेष तौर पर ध्यान। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम से जुड़ी, पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का आसार है यहां पर। अगले 3 दिन तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश की संभावना है। मैदानी इलाकों में चटक धूप परेशान कर सकती है। इसी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए और हमारे सहयोगी दीपक नारंग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहला सवाल आपसे लेंगे कि यहां पर एक बार फिर से जो है बारिश के आसार यहां पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मैदानी इलाकों में चटक धूप भी परेशान कर सकती है। बिल्कुल कहें संदीप, ये लगातार हम कहें तो लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, लोगों को जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो लगभग 24 घंटे पहले इनकी पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे मौसम रहेगा। तो अब बड़े भादों का मौसम आ गया, पर कहीं ना कहीं बारिश जो है अभी भी पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। तो अब एक और अपडेट आया है, अगर कहें तो हम अगले 3 दिन अगर हम कहें तो लगभग मंगल बुधवार तक जो पर्वतीय इलाके हैं, जो पर्वतीय जिले हैं, वहां कहीं ना कहीं अच्छी बारिश हो सकती है। और लगातार इस चीज को हम कह रहे हैं कि हो सकता है येलो अलर्ट भी है जारी किया गया है, और अगर कहें तो कुल मिला के कहें चमोली, पौड़ी और बागेश्वर में भी अलर्ट आज भी जारी किया गया है। और जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे हरिद्वार कहें, उधम सिंह नगर कहें और अन्य इलाका कहें, देहरादून का जो मैदानी इलाका है, यहाँ कहीं ना कहीं अब जो भादो होता है, भादो की गर्मी बड़ी ही तेज और खतरनाक होती है। बताया जाता है कि अगर हिरन के एक में इतनी गर्मी होती है कि आदमी काला पड़ जाता है, तो इतनी गर्मी तेज होती है। तो कुल मिला के कहें स्थिति यही बनी हुई है, बिल्कुल भी पर्वतीय क्षेत्रों में अलर्ट घोषित किया गया है, पर अगर वहां हम कहें खासतौर से मैदानी क्षेत्रों में, यहाँ कहीं ना कहीं अब धूप भी रहेगी, तेज चटक भी रहेगा, गर्मी भी रहेगी। तो उसको देखते हुए हम लगातार यही कह रहे हैं कि अब कुल मिला के पर्वतीय क्षेत्रों में जो अलर्ट आया है उसको देख के कहीं ना कहीं अब वो अलर्ट रहने की आवश्यकता है।
बिल्कुल कमल, दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास जाना चाहूंगा और सवाल आपसे करेंगे कि एक तरफ तो जहां तेज बारिश के यहां पर आसार पर्वतीय क्षेत्र में बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में चटक धूप की भी संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में लगातार मौसम का बदलना क्या कुछ परेशानियां लेकर सामने आ सकता है? हालांकि देखिए, प्रशासन तो तैयार है ही, साथ में जो शारीरिक जो परेशानियां ऐसे में सामने आती है उसको लेकर स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है? बिल्कुल सही सवाल संदीप आपने किया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से जो है मैदानी इलाकों में इस समय में चटक धूप निकल रही है और पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से बारिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं कई प्रकार की बीमारियों को जो है बुलावा दे रहा है। इस समय पर वायरल जो है वो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, चाहे बात करें हम पहाड़ की, चाहे करें हम मैदानी इलाके, इसमें जनपद राजधानी देहरादून समझिए या पूरा जनपद देहरादून समझिए, पौड़ी का इलाका समझिए, टिहरी का इलाका समझिए, यहाँ के आसपास के जितने भी देहात इलाके हैं यहाँ पर इस समय वायरल जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और यहाँ के जो आसपास के जितने भी गाँव वाले उनका जो रात के चिकित्सालय जो पड़ता है वो ज्यादातर जो है वो ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है वायरल के जो मरीज हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग जो है इस मामले को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही कहा था कि जिन इलाकों में बारिश होती है वहां ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं सर्दी, नजला, जुकाम, बुखार इसके अंदर देखने को मिलता है और इस बुखार को जो है नॉर्मल रूप से नहीं देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बुखार वायरल ना होकर के डेंगू या अन्य प्रकार का बुखार हो सकता है जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो लोग अपनी जाँच कराने के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन कई प्रकार की जाँच ऐसी है जो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, उसके लिए बाहर का रुख करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं ये मौसम विभाग जो इस समय पर मौसम बदल रहा है ये कहीं ना कहीं लोगों के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और इसका सीधा सीधा असर जहां बीमारी के साथ साथ उनकी जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। बात सरकारी अस्पताल में जो टेस्ट हो रहे हैं वो नॉर्मल है, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से जो है सारी व्यवस्थाएं करी है, लेकिन जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ जाती है और जब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी में जो पहुंचते हैं केवल उन्हीं मरीजों को देखा जाता है, उसके बाद केवल जो है इमरजेंसी में ही जो है डॉक्टर बैठते हैं और इलाज करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो उनको एम्स या अन्य प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें डेंगू के मरीजों की तो ऋषिकेश के अंदर डेंगू के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह जब बारिश होती है साफ पानी भरता है तो वहां पर लार्वा भी देखा गया है। चाहे ऋषिकेश की बात करें चाहे यहाँ निकटवर्ती जो मुनिखेरे से नगर पालिका उस क्षेत्र में भी जो है डेंगू का लार्वा मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है अलर्ट दिया गया था स्वास्थ्य विभाग ने, लेकिन अभी यहाँ पे जो है काफी धूप निकली हुई है लेकिन डेंगू के मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। हमारे आसपास जितना भी पहाड़ी इलाका है, चाहे वो नरेंद्र नगर हो, चाहे नीलकंठ हो, आसपास में किमसार हो, यमकेश्वर प्रखंड हो, यहाँ से ज्यादातर मरीज जितने भी इलाज कराने के लिए ऋषिकेश में पहुंच रहे हैं वो ज्यादातर वायरल और डेंगू से पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता बढ़ाने वाला जो है विषय पर विषय बना हुआ है, लेकिन लोगों को इसमें जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि अपने घरों के आसपास जो है साफ पानी बिल्कुल भी ना रुकने दे। घरों में अंदर जो गमले लगे होते हैं, कूलर होते हैं, उसका पानी समय समय पर बदले, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है वो साफ पानी में पनपता है और हमारी लापरवाही जो है कहीं हमें ही नुकसान दे रही है। तो फिलहाल अभी जो बारिश का दौर है वो पहाड़ी इलाकों में है और पहाड़ी इलाकों में जो है सरकार ने इस बात के लिए भी कहा है कि जो भी सफर करने के लिए वहां पर जाए वो सुरक्षा के साथ करें, क्योंकि जिन इलाकों में बारिश हो रही है कभी कभी वहां पर धूप निकल रही है और उससे जो है वहां पर मलबा धरक करके सड़कों पर आ रहा है और रास्ते भी अवरुद्ध हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है। इस समय पर अगर हम देखें तो काफी सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर अगर हम सतर्कता से बरतेंगे तभी ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान की चपेट में हम आ सकते हैं और इसका नुकसान जो है मानव जाति को ही आपको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल दीपक, आपके पास आएंगे। कमल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अपील की जा रही है, खासकर वो लोग जो पर्यटक हैं और वो लोग जो सैर करने आते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनको लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जब बारिश पड़ती है पहाड़ों में तो गंगा का स्तर भी बढ़ने लगता है और पहाड़ भी दरकने लगते हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अपील की जा रही है और प्रशासन कितनी मुस्तैदी से तैयार खड़ा है? हाँ, अब अगर कहें संदीप, सबसे बड़ी बात है वो स्थिति तो नहीं है, क्योंकि अगर हम कहें तो मेन जो सावन का महीना उससे पहले जो मानसून था, अब कहीं ना कहीं अब वो स्थिति नहीं है, पर ये जो है कि बारिश आती है, तेज बारिश आती है, लोगों सावधानी करता है, कहीं पर रात बेराती बारिश होती है, लोगों घरों में पानी चला जाता है। यही एक होता है कि क्योंकि निकासी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और ये भी प्रयास किया जाता है कि निकासी की जहां दिक्कतें हैं उसको भी ठीक ठाक किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ना कि लगातार अब मौसम की अपडेट होती है, वो सब कुछ जानकारी मिलती रहती है और जहां कहीं ऐसी दिक्कत है वहां पर सबसे बड़ी जो दिक्कतें होती हैं, जो बारिश, तेज बारिश जो रात को आती है और जब लोग सोए हुए होते हैं,
तो वहां कहीं ना कहीं एक बार देखने को जरूर मिलती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिला के हम कहें तो लगातार इस बात को जरूर दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि रात को जो बारिश आई वो इतनी तेज बारिश आती है, जब लोग घर में रहते नहीं पाते और सोते सोते कहीं इतना पानी आता है कि लोगों के घरों में और दुकानों में चला जाता है, वो एक स्थिति थोड़ी सी लोगों के लिए गंभीर होती है। तो कुल मिला के कहें जो एकदम बहुत पहले से जो स्थिति वहां कहीं ना कहीं अब उसमें कमी आई है, पर सबसे दिक्कतें जो होती हैं पर्वतीय इलाकों में होती हैं, जो अभी तीन दिन का बताया गया कि बारिश ज्यादा हो सकती है, वहां एक बड़ी दिक्कत है कि जब बारिश ज्यादा होती है रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं, ऊपर से मलबा आ जाता है, इन चीजें आती है, उससे कहीं ना कहीं दुर्घटना या अन्य चीजों का बड़ा डर लग जाता है। वो ऐसी घटनाएं ना हो तो वो पर्वतीय जिलों में लोगों को बताया जाता है कि, और रही पर्यटकों की बात, अपने पर्यटन भी इस टाइम जो है नाक के बराबर है, चारों धाम यात्रा बहुत स्मूथली चल रही है। अगर हम टोटल चारों धाम की बात करें इस टाइम तो लगभग हम कहें 2 से 2500 आदमी मुश्किल से वहां पर इस टाइम पहुंच रहे हैं। अब जैसे ही ये 15 सितंबर के बाद फिर कहीं ना कहीं यात्रा बढ़ेगी, हेली सेवा भी बढ़ जाएगी और भी आगे बढ़ेगा, तो तब तक कहीं ना कहीं मौसम भी एक तरह से ठीक हो जाएगा। तो अभी तक कुल मिलाकर कहें, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप खाते पीते तो बहुत हैं पर